नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद दुबे। प्रश्न है, बंगाल के प्रशासन में दोहरी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना को हराने के साथ ही पूरा बंगाल अब कंपनी के सेना के अधीन आ गया था तथा बंगाल की राजनीतिक गतिविधियां भी अब पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों में थी। वहीं दूसरी तरफ अब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। आपको बता दें कि द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। इस द्वैध शासन से कंपनी को बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि एक तरफ बंगाल की सत्ता का पूरा अधिकार कंपनी के पास चला गया तो दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद से ही नवाब अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो गया था। इसके साथ ही कंपनी अब बंगाल में अपना उप सूबेदार भी नामित कर सकती थी। वहीं हार के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी अंग्रेजों के पास चला गया था। इस प्रकार इसका सही विकल्प है